यारो एक ऐसा स्टेचू जिस पर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की असली तस्वीर मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के लिए बड़ी बड़ी इमारतें तामीर किया करते थे, और आज के दौर में हैकल सुलेमानी के साथ साथ उस दौर की बिल्डिंगों के जितने भी सबूत मिले हैं उनको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो न हो उस दौर में सारे काम जिन्नातों ने ही अंजाम दिए हैं, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए आज से 3000 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। खैर दोस्तों, जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम को हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के दौर का एक स्टेचू मिला है, जिस पर उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च के बाद वो सबूत के साथ में दावा करते हैं कि स्टेचू किसी और का नहीं बल्कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का है, जिनको कि उस दौर में जिन्नातों ने ही तैयार किया होगा। इस स्टेचू में एक बादशाह की तरह बैठे हुए इंसान को देखा जा सकता है। साथ ही साथ अब्दुल करीम ने इस स्टेचू की लंबाई और चौड़ाई को समझाते हुए ये भी बताया कि इस स्टेचू पर बड़ी ही बारीकी के साथ में काम किया गया है, जबकि उस दौर के इंसान इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे। फिलहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।